हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा टेंडर राउटर हम कैसे एज अ रिपीटर या एज अ ब्रिज नेटवर्क हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि रेंज एक्सटेंड कर सकें हम अपने वाईफाई नेटवर्क की। इसको हम वाईफाई सिग्नल टू वाईफाई भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वाईफाई टू लैन केबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम, जो मोस्टली हमारा हिकविजन DVR के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मॉडल नंबर तो आपको पता लग ही गया होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले जो है वाईफाई सिग्नल पर जाएंगे, जहाँ पर हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उधर जाकर आपने जो आपका टेंडर राउटर है उसके साथ कनेक्ट करना है इसको। तो इसमें इंटरनेट नहीं है तो एरर शो कर जाता है कई बार। ठीक है जी, आप इसके साथ जाएंगे, फिर उसके बाद आपने ब्राउज़र पे आना है। आप क्रोम या कुछ भी आप ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आपने IP डालना है इसका 192.168.0.1। ये टेंडर राउटर का IP है, डिफ़ॉल्ट IP। इन फ्यूचर चेंज हो सकता है कह नहीं सकते, बट फिलहाल डिफ़ॉल्ट IP इसका ये है। के बाद इसको हम पासवर्ड दे सकते हैं स्टार्टअप होने के बाद, जो हम रीसेट करने के बाद ऑन करते हैं तो ये पासवर्ड मांगता है, जो हम इसको किसी और मोबाइल से कनेक्ट करने के काम आ सकता है। जैसे हमने दोबारा टेंडर राउटर को कनेक्ट करना है किसी फ़ोन के साथ तो ये पासवर्ड मांगेगा। ठीक है जी, इस टाइम पासवर्ड चेंज हो चुका है और अपने फिर से इसको कनेक्ट करना है टेंडर राउटर के साथ, तो इस बार इसमें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो हमने अभी सेट किया है। ठीक है जी, इसके बाद एक बार पेज को फिर से रीलोड करेंगे। उसके बाद ये जो राइट साइड पे हमें 4 लाइंस दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है आपने। ठीक है जी, इसके बाद आना है अपने वायरलेस रिपीटिंग पे, यूनिवर्सल रिपीटर। उसके बाद जो आपका डिवाइस है जिसके साथ आपने ब्रिज नेटवर्क बनाना है, सपोज मेरा इस टाइम एयरटेल का डोंगल है तो मैं इसको एयरटेल के डोंगल के साथ इसको करूँगा कनेक्ट। एयरटेल का जो हॉटस्पॉट है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, अब ये रीबूट होगा। ये कनेक्ट हो चुका है, ऊपर आप देख सकते हैं वाईफाई सिग्नल के साथ में कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है, तो इस टाइम में नेटवर्किंग में है। मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। थैंक यू, आई होप आपका ये पर्पज़ सॉल्व हो गया होगा।